हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं छोटा सा व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग। बहुत छोटू सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। आप सब देखिए और अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर देना और कॉमेंट जरूर करना कि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे, ठीक है। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे वो सजेशंस भी दे सकते हैं। मुझे बहुत कुछ आता है, जिस तरह की आप वीडियोज देखना चाहें मैं बना सकती हूँ। स्टिचिंग से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, नेल्स एक्सटेंशन से रिलेटेड, आप जो भी देखना चाहें आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए शेयर करूंगी, बनाने की कोशिश करूंगी और बनाऊंगी 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शॉपिंग। मैं आपसे छोटी सी शॉपिंग से पहले स्टार्ट करती हूँ। मेरी फर्स्ट शॉपिंग है ये देख सकते हैं, क्यूटीसा। ये क्यूटीसा पाउच है, मतलब पर्स है। ये बहुत छोटा सा इस तरह का, जैसे कि हम कहीं जाते हैं थोड़ी बहुत पेमेंट लेने के लिए या कुछ कार्ड वार्ड कैरी करने के लिए आप ऐसा कुछ ले सकते हैं पाउच। ये बहुत ही स्मॉल पाउच है और बहुत ही सुंदर है। देखिए इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये लोकल मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज का मिला है मुझे, और बहुत ही प्यारा है। आपको कैसा लगा बताइएगा। और नेक्स्ट शॉपिंग मेरी, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये है एक बॉटल, ये बॉटल है बोरोसिल की, बोरोसिल हाइड्रा, और बहुत ही अच्छी बॉटल है ये। और ये 10 घंटे इसमें पानी गर्म रहता है अगर आप गर्म डाल रहे हो तो, और 10 घंटे ठंडा रहता है अगर आप ठंडा डाल रहे हो तो, मतलब ये 10 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर है। और बहुत ही स्मार्ट, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की है, बहुत ही स्मार्ट है। और इसका जो MRP है ना वो 975 लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये डिस्काउंट पे मुझे मिली है 600 रुपीज की। बहुत ही स्मार्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ इस बॉटल का लुक। ये देखिए क्या हुआ, एक्चुअली हमने खोल भी ली थी, मेरे बेटे को पता नहीं था कि मैंने इस पे शॉपिंग वीडियो बनानी है, तो वो आया उसने खोली और पानी वानी डाल के पी लिया। कहता है मुझे तो बस ट्राई करना था कि ये कैसी बॉटल है। बहुत ही अच्छी बॉटल है, देखिए पानी दिख रहा है आपको। ये उसने ना एक्चुअली ट्राई करके देख ली, उससे ना किसी चीज के लिए सब्र नहीं होता है, वो ऐसे ही करता है। कोई भी चीज अगर लेके आऊंगी ना तो उसको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो बस निकालेगा फटाक से खोल खाल के सब रख देगा। और ये देखिए इसके यहाँ पे बच्चों के लिए, अगर किसी बच्चे को यूज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और ये पूरी मेटल की है, स्टील की है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक नहीं है, ये इस पे पेंट कुछ किया हुआ है, बट ये जो पूरी बॉटल है ये स्टील की बॉटल है। इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो बस यहाँ किया हुआ है, और कहीं भी इसमें प्लास्टिक यूज नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर है प्लास्टिक यूज। और ये बहुत ही स्मार्ट मुझे बॉटल लगी, बहुत ही अच्छी बोरोसिल। उसके बाद मेरी सबसे प्यारी शॉपिंग, जिसका मुझे कई साल से लगा लीजिए, मेरे पास सारे बर्तन ही एल्युमिनियम के हैं, मेरे पास मैंने कभी भी स्टील यूज नहीं किया। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं सब वो एल्युमिनियम, मतलब पहले के बड़े बूढ़े थे जो हमारे, वो तो सब मिट्टी के बर्तन, मेरी दादी जी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया करती थी। मुझे याद है आज भी, मैं छोटी थी उस टाइम चूल्हे पे वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया करती थी। वो स्वाद तो आजकल है ही कहाँ, कोई चीज ऐसी आती ही नहीं है। चूल्हे पे खाना बनाना मिट्टी के बर्तन में, जो डोलची सी होती थी उसके अंदर दाल पकती थी और उसके ऊपर रोटियां सिकती थी, मिट्टी का कुछ होता था उसके ऊपर रोटियां सिकते थे, तंदूर होती थी छोटी सी उसके ऊपर रोटियां सेकते थे, और ऐसी चीजें, चटनी सिलबट्टे पे बनानी, ये सब चीजें आजकल कहाँ, बहुत कम रह गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने एल्युमिनियम ही यूज किया है बहुत टाइम से। मेरी मम्मी ने जो बर्तन मुझे दिए थे, मेरी सासू माँ ने जो बर्तन मुझे दिए थे, वही सब बर्तन मैं यूज करती आ रही हूँ। और आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, काले काले हो चुके हैं, उनको मैं कितना भी साफ कर लू ना वो साफ नहीं होते हैं, बस ये लगा लीजिए। मैंने आपको पहले कढ़ाई भी दिखाई थी ना, तो इसलिए मैंने ली कि यार अच्छा नहीं लगता। अब ये नहीं कि वीडियोस के लिए, मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता, बट मैं वेट कर रही थी सही टाइम आए कि ये चीजें, जो स्टील का बर्तन है ना उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा हो जाता है, बहुत महंगे आते हैं ना वो, 500-700 के नहीं आते हैं, तो वो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, पहले कुछ बचाइए और लीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई बहुत मतलब वो नहीं है कि हाँ जाके 15,000-20,000 खर्च करके आ जाए, हम लोग इतने हाई फाई तो नहीं है। मैं ये सब जो चीजें लेती हूँ ना,
मैं आपको आज रियलिटी बता रही हूँ, ये सब चीजें मैं अपनी पॉकेट मनी से लेती हूँ, सब चीज मैं खुद से जो अपने लिए बचाती हूँ ना उसी में से कुछ 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 500 निकालती रहती हूँ कि मुझे मुझे शौक है इन चीजों का, कुकिंग के जो बर्तन वर्तन सुंदर सुंदर क्रोकरीज कांच के बर्तन मग्स मुझे बहुत शौक है इन सब चीजों का, और मैं अपनी खर्ची इकट्ठी कर करके ये चीजें लेती हूँ। तो ये जो लगा लीजिए अभी मैंने कढ़ाई ली है, और अब जो मैं चीज नेक्स्ट लेके आई हूँ ना ये मैंने सब खुद की जो थोड़े थोड़े पॉकेट मनी से बचा बचा के ही मैं लेके आई हूँ। तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर दे देना, ठीक है? चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ आज कि मुझे मेरे पसंद का वो चीज भी मिल गई फाइनली फाइनली। टन टन, ये है प्रेस्टीज का स्टील का कुकर 3.5 लीटर का, और न्यू शेप में आया है। सबसे अच्छी बात पता है क्या मुझे लगी, अभी जो फेस्टिवल्स चल रहे थे ना उस पे इस पर डिस्काउंट आया हुआ है, 28% का डिस्काउंट मिला है मुझे इस पे। वैसे जो ये है 3000, इसमें रेट कहाँ लिखा हुआ है भाई, हाँ ये लिखा हुआ 3425 रुपए का है। ये है प्रेस्टीज नक्षत्र अल्फा स्वाच स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर हांडी 3.5 लीटर, ठीक है? और मुझे ये प्रेस्टीज कंपनी तो ब्रांडेड है ही, मुझे अच्छे लगते हैं प्रेस्टीज की चीजें, और मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आप इसे ओपन करते हैं, प्लीज एक लाइक जरूर देना। चलिए ये है इसकी लिड, ये जो है ना ये वही वाला है जो अभी आया हुआ है सफाई वाला, कि अगर दाल वाल गिर जाए ना तो जैसे अब हम कुकिंग करते हैं तो सारा गिर जाता है कई बार, तो इसके ऊपर ये प्लेट बनी हुई है, ये सब इसी में इकट्ठा हो जाएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। और ये देखिए, ठीक है? और इसके ये है इसका कुकर की शेप, देखिए लुक एट दिस शेप, वाओ। ये एक्चुअली थोड़ा सा सैंडविच बॉटम में है, बिल्कुल माइनर सैंडविच बॉटम है इसका, कोई वो मोटे वाला बॉटम नहीं है, बहुत पतला सा आप देख सकते हैं। देखिए देखिए बहुत ही थिन लेयर दी हुई है सैंडविच बॉटम की इसमें, और बहुत ही सुंदर है, अमेजिंग। देखिए बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो, आप बताइएगा आपको ये शेप इसकी कैसी लगी, मैंने कभी ना इस तरह की चीज यूज नहीं की। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने कुछ आज डिफरेंट लिया चीज, और आई होप ये अच्छा निकले। इस पे वारंटी है 5 साल की, और 5 साल तो यार बहुत हो जाते हैं, किसने देखे, ठीक है? और इसके साथ मिली है, क्या मिली है बताए, सीटी ये इसकी विसल, और अब हम इसमें कुछ खाना बनाएंगे टेस्टी सा, आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो बताइएगा आपको ये मेरी शॉपिंग कैसे लगी, इसका मैंने आपको प्राइस तो बताया ही नहीं है ना, ये जो है 3400 समथिंग का इस पे प्राइस लिखा हुआ है, और ये डिस्काउंट पे आया हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया 28% इन्होंने फेस्टिवल कुछ का डिस्काउंट किया। मैंने लोकल मार्केट से लिया, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे हर जगह अवेलेबल होती है ये चीजें, और लिंक्स वगैरह अभी मैं नहीं दे रही हूँ, आप लोग पहले वीडियोस देखने लगो ना मेरी, फिर मैं आपको लिंक्स वगैरह भी शेयर किया करा करूंगी, ठीक है? और ये जो मुझे मिला है अभी, ये मुझे पड़ा है आई थिंक 2200 समथिंग का मुझे ये पड़ा है अभी, डिस्काउंट करके 2250 या 60 ऐसे कुछ पड़ा है, ठीक है? क्योंकि मैंने बॉटल भी वहां से ली है तो उन्होंने इकट्ठा बिल बना दिया था, इकट्ठा बता दिया था, 2260 समथिंग के आसपास का ये पड़ा है। बहुत ही अमेजिंग मुझे लगता है ये डील है, इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिल गया है। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, एक वुमेन की ये मेहनत की खुद के मतलब थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कर करके कुछ लेना, आपको ये चीज अगर पसंद आई हो ना प्लीज एक लाइक जरूर देना, और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, मेरा एक परिवार बनेगा। सीरियसली बताऊं तो मेरा परिवार इतना बड़ा कुछ है नहीं, मेरे भाई बहन ब्रदर कुछ मतलब नहीं है मेरे, आप लोग ही है ना, आप लोग बनेंगे तो आप ही मेरा परिवार है। और सीरियसली दिल से कहती हूँ कि आप लोग मेरा परिवार बनेंगे तो मैं बाबा से दुआ करूंगी
कि आप सबको आपकी इच्छा की जो भी चीजें चाहिए, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप सबकी पूरी हो, आप पे मेरे बाबा कृपा बनाए रखे। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी सजेशन देना चाहोगे, कुछ अगर बुरा लग रहा हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, तो प्लीज मुझे बताइएगा ना। आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, आप मुझे सजेशन देंगे, मुझ में कमियां भी निकालेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। हमारे जो होते हैं अपने, वो हमें कमियां भी निकालते हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना होता है, उसे सुधारना होता है। तो अगर कुछ भी आपको कमी लगे मेरी वीडियोज में तो प्लीज मुझे बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।